नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक तरफ सियासी हंगामा मचा हुआ है तो दूसरी तरफ लगातार बड़े चेहरे जो है वो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी खेमे पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, प्रियंका वाड्रा का हो या फिर राहुल गांधी का चेहरा हो। इस वक्त सोनिया गांधी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कर्नाटक चुनाव में एक के बाद एक बड़े हमले जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है और साफ पता चलता है कि वो बीजेपी खेमे में इस पूरी पार्टी का जो है कमान नहीं जाने देगी। बीजेपी खेमे में वो कर्नाटक की जनता को जो है बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकती है और कर्नाटक में अपनी जीत दर्ज करके अपनी उपस्थिति दर्शाने का वो ये मौका बिल्कुल नहीं खोना चाहती। यही वजह है कि एक के बाद एक बड़े आरोप जो है वो बीजेपी खेमे पर लग रहे हैं। इसी बीच में जो है राहुल गांधी का भी एक बड़ा बयान सामने आ गया है, जिस बयान के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। रोड शो में आते हैं, रोड शो हो रहा का हमारे रोड शो में सब नेता एक साथ चलते हैं। नानु रोड शो हो रहा का नानु नन्नेल्ला नायकरन्ना जोतेगुड़ी नडीतीने। जैसे आज छोटा सा ट्रक था उसपे डीके जी थे, सब थे हम। चिक्क स्टेज इत्तु आदरो डीके शिवकुमारो मत्तेल्ला नायकरु नन्न जोते निंतिद्रु। मोदी जी का रोड शो होता है, मोदी और रोड शो आदागा नेताओं को सड़क पर उतार देते, कहते भैया तुम उधर चलो। मोदी और रोड शो आदागा मोदी और अपने वैन में ले मिक्की दिल्ला नायक रो नडी रे रस्ते अल नडी रे नहीं बोलते रे। बीजेपी के नेता ऐसे ऊपर की ओर देखते हैं। बीजेपी नायक रेला अयो नमन केड़ा गिड़स पुट्रा लांता इन तले यत्ती नोड़ता रे रोड अल्ले। देखो देखो मोदी जी जा रहे हैं, देखो देखो नोड़ी नोड़ी अल्ली मोदी नडीता इदारे अंत और नायक रे हेळ्तारे बीदी इंद। वो धक्के खा रहे हैं, धक्का अवरिगे एट बीळ्ता इदे तळ्ता इदारे अवरन्ना। राहुल गांधी का बयान आपने सुना। बयान सुनने के बाद हम जानना जरूर चाहेंगे कि अब आप लोग की क्या तर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।